दोस्तों, विश्व की महाशक्ति चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर चाइना ही क्यों ना हो, इन देशों की एक खास बात है कि ये विश्व भर में अपने हथियार सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कभी इन देशों पर कोई हमला करता है तो इन देशों की सभी कंपनियां मिलकर अपने देश के लिए तेजी से हथियार बना सकते हैं और इन्हें किसी देश से हथियारों को खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन देशों में प्राइवेट कंपनियां भारी मात्रा में हथियार बनाती हैं। वही दोस्तों, भारत में यह चलन पहले नहीं था। पहले सिर्फ DRDO या HAL ही हथियार बनाती थी और वो भी काफी लेट। लेकिन 2014 के बाद भारत के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और आज ये सभी कंपनियां एक से बढ़कर एक हथियार का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत कर रही है और इसमें प्राइवेट कंपनियां भी अपना एक अहम किरदार निभा रही हैं। इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड को लेकर है, वही दूसरी खबर कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाए गए एक ऐसे हथियार के बारे में है जिसने DRDO को तो पछाड़ा ही है, वही अमेरिका, रूस, चाइना को भी चौंका दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कल की वीडियो पर 1000 से ज्यादा जय हिंद के कमेंट करने के लिए। मैंने पहली बार 1500 कमेंट का टारगेट रखा था, जिसे आपने 12 घंटे में ही पूरा कर दिया। इतने कमेंट हमारी मिलियन वाली वीडियो पर भी नहीं आए थे। एक डिफेंस लवर और डिफेंस चैनल के लिए जय हिंद के इन कमेंट से बड़ी खुशी नहीं हो सकती, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। अब बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, LAC पर जिस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत के CDS विपिन रावत ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जिसमें बताया गया है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रहा है। यूं तो इससे पहले दोस्तों आपने इन्फेंट्री ब्रिगेड, टैंक ब्रिगेड या फिर एविएशन ब्रिगेड का नाम सुना होगा। यह एक ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन होता है जिसके बटालियन में कम से कम 5000 जवान उनके सपोर्टिंग इक्विपमेंट के साथ तैनात रहते हैं। सेना की एक ब्रिगेड में कम से कम 6 बटालियन से बनी होती है और यह फ्रंटियर वॉर के लिए हर वक्त तैयार रहती है। भारत के पास इन्फेंट्री, स्ट्राइकर, आर्मर और एविएशन जैसे घातक ब्रिगेड पहले ही मौजूद हैं। ऐसे में क्या है बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड, चलिए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, यह पहली बार है जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड को बना रहा है। यह एक ऐसी ब्रिगेड होगी जिसके हाथों में ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर परमाणु शक्ति से लैस अग्नि मिसाइल तक की कमान रहेगी। जहां भारत के पास हजारों की मात्रा में टैक्टिकल मिसाइल मौजूद है, लेकिन ये अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड है। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को ज्यादातर आर्मी इस्तेमाल करती है, तो आकाश को एयरफोर्स, तो वहीं अग्नि 5 को स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स इस्तेमाल करती है। लेकिन अब भारत इन सभी के लिए एक ही कमांड बनाने की तैयारी कर रहा है, जो वक्त आने पर देश की तीनों सेनाओं को उनके जरूरत के हिसाब से मिसाइल सौंपेगी। इससे होगा यह कि जहां तीनों सेनाओं के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा, वहीं दुश्मन पर एक्शन लेने में कम समय लगेगा। इस बात को खुद तीनों सेनाओं के प्रमुख विपिन रावत ने कही है। उन्होंने इस बात को जोर देते हुए कहा है कि LAC पर बिगड़ते हालात में हमें बैलिस्टिक मिसाइल ब्रिगेड को बनाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, एक मिसाइल ब्रिगेड को चलाने के लिए कम से कम 20,000 मिलिट्री पर्सनल और कई सारी मिसाइलों की आवश्यकता पड़ती है। इन ब्रिगेड्स को स्वतंत्र रूप से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। यही नहीं, भारत इस ब्रिगेड में लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल कर सकता है, जिस कारण ये ब्रिगेड और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें खर्चा भी काफी ज्यादा आएगा, क्योंकि इतनी सारी मिसाइल को ऑपरेट करना और स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने में खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों, ये फ्यूचर में भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि एक खतरनाक हथियार जिसे कल्याणी ग्रुप द्वारा बनाया गया है उसको लेकर है। कल्याणी ग्रुप वही कंपनी है जो इसराइल के साथ मिलकर थल सेना के लिए थर्ड जनरेशन के एंटी गाइडेड मिसाइल यानी कि स्पाइक मिसाइल का निर्माण भी कर रही है। यह एक भारत की प्राइवेट कंपनी है जो कि भारतीय सेना के लिए काफी समय से हथियार वगैरह बना रही है। इससे पहले बीते महीने में कल्याणी ग्रुप की ओर से गरुड़ा 105 भी बनाई गई है, जिसे खास तौर पर लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में हैवी गोलीबारी करने के लिए डिजाइन की गई है। कल्याणी ग्रुप की ओर से बनाई गई गरुड़ा 105 देश का पहला टैक्टिकल व्हीकल है जो 360 डिग्री के डायरेक्शन से आ रहे ड्रोन, चोपर, UAV या एयर टू ग्राउंड मिसाइल को पल भर में तबाह कर सकता है और इसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और अब एक और उम्दा हथियार कल्याणी ग्रुप की ने लगभग तैयार कर लिया है। दोस्तों, आर्टिलरी फील्ड में इतना शानदार हथियार सच बताऊं तो DRDO भी नहीं बना पाया है। डिफेंस न्यूज की तरफ से जारी आर्टिकल जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी पहली दफा देश की सबसे तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन बना रही है। इससे पहले जो DRDO ने आर्टिलरी गन बनाई थी वो दुनिया की टॉप 10 आर्टिलरी में शामिल थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा घातक होने वाली है। खबर के मुताबिक कल्याणी ग्रुप 155
M52 कैलिबर की रिमोट कंट्रोल ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन बना रही है। इसकी रेंज तकरीबन 65 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अभी तक सबसे दूरी तक आर्टिलरी गन US आर्मी के पास है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है। ऐसे में कल्याणी ग्रुप का आर्चर आर्टिलरी सिस्टम दुनिया की पहली 155 M52 कैलिबर क्लास की लंबी दूरी तक मार करने वाली रिमोट कंट्रोल गन होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि इसे रिलोड करने में 5 मिनट से भी कम समय लगेगा, यानी कि इसके जरिए सरहद पर पाकिस्तान और चीन पर हैवी शेलिंग की जा सकेगी। यह हथियार फिलहाल अपने थर्ड स्टेज में है और अगले साल में जून से पहले इसे कम्प्लीटली बना लिया जाएगा। दोस्तों, कल्याणी ग्रुप के इस हथियार के लिए एक लाइक और चयन तो बनता है। डेली डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल घंटी को अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।